दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सोशल बिकू पे। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो है आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, जो कि ईपीएफ से निकल के आ रहा है। अब ईपीएफ योजनाओं में नियोक्ता के कामकाज का भी होगा ई निरीक्षण। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को देने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक, सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य का आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो आइए बढ़ते हैं ईपीएफ से रिलेटेड जो खबर निकल के आ रही है उसकी तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियोक्ताओं के द्वारा ईपीएफ योजना में किए जा रहे स्वैच्छिक अनुपालन की निगरानी के लिए जल्द ही ई निरीक्षण व्यवस्था शुरू करेगा। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुनील भरथवाल ने शुक्रवार को बताया कि ईपीएफओ को स्वैच्छिक अनुपालन में दृढ़ विश्वास और वह इस योजना में डिफॉल्ट व गैर अनुपालन के मामले में उद्योग की चिंताओं को समझना चाहते हैं, लिहाजा जल्द ही देश भर में ई निरीक्षण सिस्टम शुरू किया जाएगा। नियोक्ता के स्वैच्छिक अनुपालन की निगरानी करेगा। उपयुक्त आयुक्त ने कहा कि ईपीएफओ इस प्रक्रिया पर भी तेजी से काम कर रहा है, जहाँ कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के दिन ही अपना पीएफ ले सकेगा और उसे समय से पेंशन लाभ का भी भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि भविष्य निधि का ज़्यादा लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन के साथ अपने आधार को लिंक कराना जरूरी होगा। तो ईपीएफओ ये जो नया आने वाले समय में नया ई निरीक्षण करके एक व्यवस्था लाने वाली है, जिसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है नियोक्ताओं के ऊपर भी पड़ने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय अवश्य ही हमें कमेंट में दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।